आध्यात्मिकता द्वारा एकता, शांति और समृद्ध विषय पर वैश्विक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करने के लिए यहाँ आए हुए बड़े ही गतिशील व्यक्तित्व के धनी भारत के उपराष्ट्रपति महामहिम एम वेंकैया नायडू जी, मंच पर विराजित राज योगी बी के निर्वार जी, राजयोगिनी दादी जानकी जी, राजयोगिनी रतन मोहिनी जी, हमारे भारत सरकार के मंत्री आदरणीय अर्जुन मेघवाल जी, मंच पर विराजित राजस्थान सरकार के मंत्री सुखराम विश्नोई जी, मंचस्थ श्री राजयोगी बी के मृत्युंजय जी, मंचस्थ सभी सम्मानित बंधुगण, यहाँ आए हुए विश्व के कई देशों के इस शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले सभी सम्माननीय बहनें और सम्मानित महानुभाव, पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, आध्यात्मिकता से एकता, वैश्विक एकता, यह विषय स्वयं में महत्वपूर्ण है, गंभीर है और व्यक्ति व्यक्ति से संबंधित है। व्यक्ति या तो चिंतन करते हुए अपने मन के सात्विक वृत्ति को जागृत करते हुए पाप पुण्य का स्वयं विश्लेषण कर, ये पाप है ये पुण्य है, स्वयं विश्लेषण करते हुए क्या करना क्या नहीं करना, जब चलता है तो स्वाभाविक रूप से उसके मन के अंदर अनुशासन की भावना जागृत होती है और वही अनुशासन की भावना एकता के अंदर पूरे विश्व को गूंथने में सक्षम और समर्थ होती है। आज का वैश्विक सम्मेलन इसी दिशा में किया जा रहा है सम्मेलन है। आबू रोड के शांतिमय परिसर में प्रवेश करते ही लगता है कि ये बड़ा सुखद और शांत तथा पवित्र अपनेपन की भावना को जागृत करता है। व्यक्ति के दैनिक जीवन की जो भीड़ भाड़ है, जो उहापोह की स्थिति बनी रहती है, कई विषयों को लेकर जो कुंठा होती है, उन सारी चीजों से यहाँ प्रवेश करने के पश्चात ही लगता है कि यहाँ के अभ्यास के कारण वो सारी चीजें स्वयमेव समाप्त हो रही हैं। मुझे इस संस्था के इतिहास तथा आदर्शों से परिचित कराया गया, मुझे जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई है कि साधारण आध्यात्मिक संगठन से प्रारंभ होकर पूर्णतया नारी शक्ति के संचालित यह संस्था प्रारंभिक विरोध के बावजूद एक वैश्विक संगठन बनकर आगे बढ़ी है और लोगों को दिशा प्रदान कर रही है। इस समय विश्व के लगभग 140 देशों में लोगों का सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक दृष्टि से प्रेरित कर रही है। समस्त विश्व के लिए यह भी एक अनूठी बात होगी कि संस्था के संचालिका दादी जानकी जी 104 वर्ष की आयु में भी एक कुशल प्रशासक ही नहीं अपितु स्नेह, प्यार तथा सहयोग की ये प्रतिमूर्ति है। मैं प्रणाम करता हूं, उनका चरण वंदन करता हूं। ब्रह्मा कुमारी संस्था की 83 से भी अधिक वर्षों की निर्विवाद तथा निर्विघ्न यात्रा इसके आध्यात्मिक आदर्शों की दृढ़ता तथा सत्यता को प्रमाणित करती है।
संभवतः नारी द्वारा संचालित यह आध्यात्मिक संस्था विश्व का पहला संगठन है जिसने नारी का आध्यात्मिक सशक्तिकरण करके उन्हें न केवल एक नई पहचान दी है अभी उनके अंदर देवत्व के भावों को भी साकार किया है। इसके साथ साथ ब्रह्मा कुमारी ने पर्यावरण तथा प्रकृति के तत्वों से सात्विक परिवर्तन करने में सफलता प्राप्त की है, लगातार उसको संतुलित करने के लिए प्रयासरत है और सकारात्मक सहयोग के आधार पर यह इनका एक अभिनव प्रयोग है। यह सर्वविदित है कि आज पृथ्वी पर मानव जीवन अपने अस्तित्व के सबसे गहरे संकट के दौर से गुजर रहा है। बढ़ता हुआ वैश्विक तापमान, वायुमंडल में दूषित तथा हानिकारक तत्वों का होना, भूमि की उपजाऊ शक्ति का ह्रास, मौसम के अप्रत्याशित परिवर्तन इत्यादि सब मिलकर पृथ्वी पर केवल मानवीय ही नहीं अभी हर प्रकार के जीवन के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बना है। ऐसे समय में प्रत्येक मानव का कर्तव्य है कि वे इस क्षेत्र में अपना क्रियात्मक योगदान करें। मित्रों, मैं बताना चाहूँगा इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखते हुए अपने पूर्व पुरुषों ने, आध्यात्मिक पुरुषों ने केवल भारत को ही नहीं तो पूरे विश्व को बंधुत्व के श्रेणी में लिया, वसुधा को कुटुंब के रूप में लिया। इसमें गिर कंदराएं ही, प्रकृति भी है, नर नारी, कीटाणु सब आ जाते हैं। ये परिवार उनको संतुलित करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। मुझे ये कहा गया है कि हर वर्ष ब्रह्मा कुमारी संस्था के माध्यम द्वारा समस्त देश में लाखों वृक्षारोपण कर उसका संरक्षण करके समाज के सामने एक अनुपम उदाहरण पेश किया है। यह जानकर अति हर्ष होता है कि यह संस्था स्वच्छता तथा पर्यावरण की शुद्धता को केवल अपने आसपास के बाहरी वातावरण तक ही सीमित नहीं रखती है, अभी तो मनुष्य को मानसिक प्रदूषण से मुक्त करने के लिए एक स्वस्थ जीवन शैली तथा राजयोग मेडिटेशन द्वारा सकारात्मक चिंतन की शिक्षा तथा प्रेरणा भी देती है। एक और जहां अपने घर, गली, मोहल्ले इत्यादि को साफ रखने का अभियान चलाया जाता है तथा किसानों को वृक्षारोपण तथा यौगिक खेती, पर्यावरण सुरक्षा, स्वच्छता का प्रोत्साहन दिया जाता है, वही दूसरी ओर व्यक्ति को सात्विक भोजन के साथ विचारों को भी सात्विक बनाने का आह्वान भी किया जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान मोदी जी, नाम उल्लेख किया के बगैर इसलिए नहीं रहा जाता है कि इन्होंने इन सारे मूल भावों को संयुक्त राष्ट्र संघ के भाषण के अंदर इस तरीके से प्रस्तुत किया है, मानो लगता है कि आध्यात्मिकता से पूरी वैश्विक एकता को संचालित करने में वो सक्षम है, दिशा निर्देश करने में सक्षम है, ऐसा लगता है। उन्होंने स्वयं ये मंत्र दिया है, स्वच्छता ही सेवा है, और लगातार अपने जीवन में कारण करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। प्रदूषण से मुक्ति कैसे मिले, विश्व को इस दिशा में प्रेरित कर रहे हैं। आज प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि यह समस्त विश्व एक गहरे संकट से गुजर रहा है। एक तरफ जहां वातावरण तथा पर्यावरण की असंतुलित स्थिति व्याप्त है तो दूसरी ओर विज्ञान तथा अध्यात्म परस्पर विरोधी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। एक ओर जहां विज्ञान ने मनुष्य को धन तथा साधनों से संपन्न कर दिया है तो दूसरी ओर व्यक्ति शांति तथा खुशी के लिए तरसने लगा है। उसके पास धन की कमी नहीं है, परंतु सारा धन व आराम के साधन उसके लिए एक पल की शांति भी प्राप्त नहीं करवा सकते। अगर कहा जाए कि यह समय मटेरियल प्लेंटी एंड स्पिरिचुअल स्कैरसिटी का है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस समय प्रत्येक भारतीय को अपने जाति, क्षेत्रीय, लिंग तथा धर्म के भेदभाव भुलाकर मानवीय चेतना को जागृत करते हुए मानव हित में सोचना तथा कार्य करना चाहिए। विज्ञान तथा अध्यात्म को मिलकर संतुलित रूप से मानव हित में सकारात्मक
तथा सृजनात्मक योजनाबद्ध कार्य करना है। किसी भी प्रकार का मतभेद, विरोध या नकारात्मकता सोच देश और समाज के हित में नहीं होगी। एक तरफ जबकि विज्ञान की प्रगति मानव जीवन को सरल तथा सुखद बनाने के लिए आवश्यक है, दूसरी ओर मनुष्य को अपने अंतर्मन को शांत, सुखी तथा पवित्र बनाने के लिए जीवन में मूल्यों तथा गुणों का विकास करना होगा। इन दोनों तथ्यों का सामंजस्य तथा विकास अति आवश्यक है। इस संस्था के द्वारा निरंतर किया जा रहा है और आज ऐसे गतिशील व्यक्तित्व के द्वारा इस विषय का उद्घाटन किया जा रहा है, शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया जा रहा है, जिन्होंने इन सारे गुणों को, नैतिक मूल्यों को अपने जीवन में आचरित करते हुए पर उपदेश देकर नहीं तो अपने आचरण व्यवहार के माध्यम से लोगों को उस दिशा में ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। स्वस्व चरित्रेण शिक्षेरन पृथिव्याम सर्व मानवा, इस गुण को अगर कोई आचरण व्यवहार में कर रहा है तो आज के यहाँ जो आए हुए उद्घाटनकर्ता गतिशील व्यक्तित्व के धनी भारत के उपराष्ट्रपति आदरणीय वेंकैया नायडू जी हैं। मैं उनका अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। राजस्थान में जब मैं राज्यपाल हुआ है तो मेरे राज्यपाल होने पे पहली बार आप यहाँ पधारे हैं और एक अच्छे स्थान पर पधारे हैं जहाँ से सात्विकता और पॉजिटिविटी अपने आप पूरे राजस्थान को आगे बढ़ाने में गतिशील होगी। ऐसे वेंकैया नायडू जी का मैं अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। आप सबों से आग्रह करता हूँ ताली बजाकर उनका स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद।